नमस्कार साथियों, एम्पलीफायर जोन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास एच। ये क्लास एच पावर एम्पलीफायर है, साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का, टेक्नो 5, मॉडल नंबर टेक्नो 5। ये 5000 वाट पावर एम्पलीफायर है क्लास एच। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये क्लास एच कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यही आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, मेरे जो नए साथी है, ताकि वो कुछ सीख पाए और आगे चल के अपने पैरों के ऊपर खड़े भी हो सके। तो ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मॉस्फेट के बारे में पूरा जानकारी रखना होगा कि मॉस्फेट कैसे काम करता है। मॉस्फेट के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा तो आप क्लास एच एम्पलीफायर रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं मॉस्फेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मॉस्फेट कैसे चेक किया जाता है, मॉस्फेट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे कुछ उसमें दिया रहेगा। तो दरअसल बात यह है कि ये दुर्गा पूजा बंगाल में बहुत फेमस है, तो पूजा के चलते दुकान में बहुत काम जम गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक का एम्पलीफायर आया हुआ था, अच्छा अच्छा क्रिटिकल फॉल्ट भी था, वो मैं अगर आप लोगों को दिखा पाता तो बहुत कुछ सीख पाते, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, अकेला हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जितना बन पड़ता है मैं आप लोगों के लिए उतना करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को आज ये क्लास एच एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर चेक कीजिएगा तो भी आप लोगों का फॉल्ट फाइंडिंग हो जाएगा। क्लास एच एम्पलीफायर में सबसे पहले आपको चेक करना होगा वोल्टेज पावर सप्लाई में। इसमें तीन वोल्टेज होता है, 40-040, 80-080 और उसके ऊपर 120-120 AC। ये तीनों जो वोल्टेज मैंने बताया ये एसी वोल्टेज, यहाँ तीन डायोड लगा हुआ है ये हीट सिंक पे। मैं आपको शायद दिखा नहीं पाऊँगा दोस्तों, ये बहुत अंदर लगा हुआ है। ये कुल जो छः कैपेसिटर देख रहे, सॉरी ये जो कुल आठ कैपेसिटर देख रहे हैं, ये दो जोन में है, ये एक जोन और ये एक जोन। तो ये वोल्टेज फिल्टर करने के काम आता है, जो क्लास ए बी में भी होता है, क्लास एच में भी होता है, लेकिन अंतर इतना है कि ये कंडेंसर ये अपने आप में सीरीज में सब लगे हुए रहते हैं। यहाँ से 120 वोल्ट के जगह 150 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी और 55 वोल्ट डीसी यहाँ से निकलेगा, तीन वोल्टेज डीसी वोल्टेज निकलेगा। निकलने के बाद ये देखिए, ये जो वायर है और एक अंदर ये वाला वायर देखिए दोस्तों, ये वाला, ये टोटल वायर आता है इस मॉड्यूल में। तो इस मॉड्यूल में सबसे पहले कोई भी एम्पलीफायर आए, चाहे क्लास एच का कोई भी कंपनी का एम्पलीफायर आए, दोस्तों मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी का एम्पलीफायर आए, सबसे पहले आपको लो रेल चेक करना होगा अपने इस फ्यूज़ पे, कि यहाँ पे जो सबसे लो रेल का वोल्टेज है, मतलब 55 वोल्ट, वो डीसी हमें मिल रहा है कि नहीं। 55 वोल्ट के बाद मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँगा आप लोग चेक करते जाइएगा। मैं अपना नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, नेगेटिव मुझे मिलेगा स्पीकर के नेगेटिव पोल से। चलिए मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और ये रहा मेरा मीटर। अब इसमें पावर ऑन करते हैं सीरीज में। हालांकि ये दोस्तों एम्पलीफायर आया हुआ था रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयरिंग हो चुका है। इसमें बहुत, देखिए, बहुत सारे मॉस्फेट डायोड ट्रांजिस्टर ख़राब थे जो रिप्लेस किया गया हुआ है, और छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी बहुत सारे ख़राब थे। तो मैं इसमें प्रोटेक्शन भी प्रॉब्लम था, तो प्रोटेक्शन का भी अलग से बोर्ड लगाया गया। मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा रहा हूँ। पावर हमने दे दिया सीरीज में, लैंप हल्का हो गया और इतना बड़ा सेट है, इतना तो ग्लो करेगा ही।
तो क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें लो रेल मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्यूज़ पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है सीरीज पे, 39, सबसे कम। इसका मिडिल वोल्टेज क्या होता है, सेवेंटी नाइन। इसके ऊपर हाई रेल क्या है, 120। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वोल्टेज मिल गया। अब ये तीनों वोल्टेज के जो सबसे कम होता है, सबसे कम एम्पलीफायर ऑन करने से ही वो वोल्टेज हमें फ्यूज पे मिलेगा। तो आप लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि तब इतना ज़्यादा वोल्टेज देने का क्या ज़रूरत है कंपनियों को। हाँ दोस्तों, इसका भी कारण है, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आज आप लोगों को क्लास एच के बारे में जब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा तो कुछ सीख नहीं पाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो रेल हमको मिला है यहाँ पे, कितना वोल्टेज मिला है दोस्तों, 38.9, मान के चलिए 39 वोल्ट। ये 39 वोल्ट हम लोगों के इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में मिलेगा, ये आउटपुट में कलेक्टर में, आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये इधर देख लीजिए, ये कौन सा साइट है दोस्तों, पता कैसे चलेगा, ये देखिए प्लस वोल्टेज है, मतलब इधर 52 से लिखा हुआ है, इधर 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और जिधर नेगेटिव होगा उधर आपको 1943 ट्रांजिस्टर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कलेक्टर वोल्टेज। तो कलेक्टर में कितना वोल्टेज होता है दोस्तों, वही वोल्टेज जो हमें फ्यूज़ पे मिला था, वही वोल्टेज हमें कलेक्टर पे भी मिलेगा। फिर बेस वोल्टेज चेक करेंगे, 0.1। इमीटर में तो वही वोल्टेज रहेगा, बेस के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहेगा। ठीक है, अब इसका लाइन इनपुट, इसमें देखिए दोस्तों चार तार इनपुट है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग सोचिएगा कि हम लोग तो क्लास एवी में दो तार से इनपुट करते हैं, तो यहाँ चार क्यों दोस्तों, यहाँ ये एम्पलीफायर को आप ब्रिज भी कर सकते हैं, ये दोनों मॉड्यूल एक हो जाएगा, और एक हो जाने के बाद टोटल कुल पावर इसमें से 5000 वाट निकलेगा। अभी जैसे ये स्टीरियो मोड में इधर 2500 वाट मिलेगा, इधर भी 2500 वाट मिलेगा, लेकिन ब्रिज मोड होने के बाद ये कुल टोटल 5000 वाट आउटपुट देने लगेगा। स्पीकर के दोनों प्लस टर्मिनलों में आपको बॉक्स लगाना है, स्पीकर लगाना है प्लस टर्मिनलों में दोनों, ये ब्रिज मोड में। तो ये चार तार के वही फंडा है कि ये ब्रिज में होता है, इसलिए इसमें से दो आपको एक्टिव ये मिलेगा ऑडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए। फिर ये जाता है ये आईसी एनी 5532 में, 5532 के 3 नंबर पिन से आउट होके जा रहा है ये वाला फर्स्ट ऑर्डर ड्राइवर ट्रांजिस्टर में। फिर ड्राइवर ट्रांजिस्टर से जाता है ये सेकंड ऑर्डर ड्राइवर ट्रांजिस्टर, जो 5200 लगे हुए हैं हीट सिंक के साथ, और ये होता है इसका वोल्टेज कंपैरेटर दोस्तों, ये होता है वोल्टेज कंपैरेटर, ये वोल्टेज डिवाइडेशन करता है दोनों बेसों का, दोनों बेस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज यही सिलेक्ट करता है। फिर दोस्तों देखिए, इसका जो मेन प्रॉब्लम था, इधर का ये मॉड्यूल पूरा शॉर्ट था, इसमें ये सारे ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं ये सारे रिप्लेस किया गया हुआ है, इधर ये जो हीट सिंक, ये सॉरी ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये सब भी रेजिस्टेंस भी चेंज किया गया हुआ है। इधर भी देखिए दोस्तों, वही वोल्टेज आपको मिलेगा 39.0, 39 वोल्ट जो उधर मिला था। ये दोनों तरफ के सेम वोल्टेज होते हैं, दोनों तरफ मैं आपको कैसे दिखाऊं। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा कैमरे को हाँ वो देखिए, नीचे एक फ्यूज़ आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, वो देखिए एक नीचे फ्यूज़ है छोटा सा दिख रहा है, लाल तार लाल वायर के नीचे देखिए, इधर ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कोई भी क्लास एच एम्पलीफायर में आप हाथ लगाइएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें डीसी 150 वोल्ट होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मीटर लेकर चेक करना है फ्यूज़ पे कि वोल्टेज का रेल सही है कि नहीं, सबसे लो वोल्टेज आपको फ्यूज़ में मिलना चाहिए, यही होता है क्लास एच का
ट्रोपोलॉजी, इससे भी बहुत ज़्यादा होता है जो मतलब इतना वीडियो में बोलने का समय भी नहीं होता है दोस्तों। ये ट्रोपोलॉजी बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, ये देखिए, ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है ये मॉस्फेट को स्विचिंग करवाता है। और इसका और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जैसे वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, ये 38 वोल्ट है, तो मैं चलिए अब इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए मेरा बत्ती गुल बंद हो गया और पंखे का आवाज़ भी ज़्यादा हो गया, तो ये वोल्टेज कैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप वॉल्यूम इधर से बढ़ाते जाइएगा उधर वोल्टेज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले देखिए जीरो वॉल्यूम पे वोल्टेज मेरा आ रहा है 63 डायरेक्ट। अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, ये गाना जो लगा रखा है मैंने, इसमें मेरा कॉपीराइट आ सकता है, तो मैं दूसरा चिप लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, पिन ड्राइव लगा दिया। हो गया 68 हो गया दोस्तों, 70 हो गया, 72 हो गया। इस साउंड के अकॉर्डिंग ये जैसे आप वॉल्यूम इसको बढ़ाते जाइएगा इसका वोल्टेज इसको ज़्यादा मिलने लगेगा और इस हिसाब से इसका आउटपुट भी बढ़ने लगेगा। ये भी एक इसका ट्रोपोलॉजी होता है दोस्तों। तो इतना सब बताना संभव भी नहीं है, कभी कभी एम्पलीफायर तो अभी आता रहता है, एक एक करके मैं सीरीज इसका बनाता जाऊँगा, आप लोगों को दिखाता भी जाऊँगा ये मॉस्फेट कैसे स्विचिंग करता है। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये मॉस्फेट को स्विचिंग करवाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मॉस्फेट स्विचिंग करवाना अगर बंद हो जाएगा तो ये क्लास एच नहीं रहेगा दोस्तों, ये भी क्लास ए बी ही बन जाएगा। जब तक इसका मॉस्फेट स्विचिंग करता रहेगा, ठीक ठाक वर्किंग करता रहेगा, तब तक ये क्लास एच कहलाएगा। जिस दिन इसका मॉस्फेट सेक्शन ख़राब हो जाएगा, स्विचिंग सेक्शन, उस दिन ये क्लास ए बी बन जाएगा। ये भी एक फंडा है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मेरे इस चैनल को थोड़ा लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा, और किसी का अगर मन में कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।